और वही साउथ अफ्रीका वालों, आ गया स्वाद। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। और साउथ अफ्रीका वाले कल के मैच से पहले क्या उछल रहे थे। पहले बैटिंग करते थे, क्विंटन डिकॉक, क्लासेन, मार्क्रम, मिलर सब मिलके 300-400 बना देते थे। अब जब रियल बॉलिंग यूनिट से सामना हुआ तो बतलून गीली हो गई। 327 का इनका टारगेट था, 127 भी नहीं बनाए गए। अरे इंडिया का टारगेट तो छोड़ो, साउथ अफ्रीका वाले विराट कोहली से 18 रन से हार गए। गजब बेइज्जती है यार। और कोहली भाई आप भी क्या चीज हो भैया, बर्थडे वाले दिन वर्ल्ड कप में सेंचुरी, किंग लेवल स्टफ भैया, किंग लेवल स्टफ। किंग कोहली के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने अपने आरजे रौनक वाले चैनल पर भी डाली है, जाकर जरूर देखना, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। लेकिन कल सबकी नजरें विराट कोहली पर थी। उनका बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए 50,000 लोग स्टेडियम पहुंचे थे। और देखो, किंग लोगों की आदत होती है अपने बर्थडे पर दूसरों को गिफ्ट देने की। शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर डंकी का टीजर दे दिया, विराट कोहली ने दे दी सेंचुरी, पूरे 101 रुपए का शगुन का लिफाफा चढ़ाया है। डिकॉक साइड में बैठा रो रहा है, मार्क्रम के आंसू कम नहीं हो रहे हैं। और महाराज के साथ जो ऐसा सलूक हुआ है ना बाबा, ऐसा तो कोई नौकर के साथ भी नहीं करता। और लॉर्ड बबूमा भैया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जाकर आराम से होटल में सो गए। लेकिन आपके लिए सोने का नहीं, जागने का टाइम है, क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी स्कीम जो आपके ओपिनियन को पैसे में कन्वर्ट कर देगी। कैसे, वीडियो में आगे बताता हूं। लेकिन पहले कोलकाता में हमने साउथ अफ्रीका वालों का जुलूस कैसे निकाला वो बताते हैं। हुआ ये कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता, कहा पहले बैटिंग कर लेते हैं, और फिर भाई साहब क्या बल्लेबाजी करी। ईडन गार्डन को रोहित गार्डन ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है, यहां पर उनके बल्ले से डबल सेंचुरी निकल चुकी है। वो जब यहां आते हैं तो भैया धोकर जाते हैं, चाहे इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलें या मुंबई की तरफ से। मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा की इनिंग ने ही मैच में हमें आगे कर दिया था, क्योंकि 5 ओवर में जब 61 रन बन गए और रोहित शर्मा 24 में 40 बनाकर आउट हो गए, उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर तेज खेलने का प्रेशर नहीं था। विराट कोहली और अय्यर बिल्कुल रिलैक्स होकर खेले, पूरा टाइम लिया। और एक बार जब सेट हो गए तो फिर तबीयत से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू की। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि भाई ये उनका इलाका है, और रेस में विराट कोहली से वो आगे निकल गए। लेकिन लगातार दूसरे मैच में अय्यर की सेंचुरी नहीं हो पाई। पर कोई नहीं, जो मैच देख रहे थे उनको अय्यर की सेंचुरी चाहिए भी नहीं थी, उनको सिर्फ किंग की सेंचुरी से मतलब था। और कोहली भी पूरा टाइम लेकर खेल रहे थे। अब इनमें भी कई लोगों का ये कमेंट आया कि भैया कोहली सेल्फिश हो गए, उन्होंने देश से ऊपर अपनी सेंचुरी को रखा। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो कल मैं लेकर आऊंगा, फिलहाल अभी मूड खराब नहीं करते, क्योंकि कल विराट द किंग ने टाइम लेकर अपनी 49वीं सेंचुरी मार दी और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। दूसरी तरफ जड्डू भैया ने टीम के रनों की रफ्तार बनाए रखी और इंडिया ने 50 ओवर में 326 रन बना डाले। इन 326 रनों में विराट कोहली के 101 बहुत कीमती थे, इतनी ही कीमती आपकी ओपिनियन भी है। तो भाई लोग, ओपिनियन की वैल्यू करना सीखो, कहीं भी कभी भी किसी को भी अपना ओपिनियन मत दो, क्योंकि ओपिनियन का सही इस्तेमाल आप प्रोबो ऐप पर कर सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यस या नो में अलग अलग टॉपिक्स पर ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। अब देखो वर्ल्ड कप चल रहा है, कई सारे सवाल उससे जुड़े हुए भी हैं कि क्या श्रीलंका बांग्लादेश के सामने जीतेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हराएगा, यस या नो। मैंने तो जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी किया है, आप भी करो और ढेर सारा पैसा जीतने के बाद आराम से उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। फिलहाल प्रोबो डाउनलोड करना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पे वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 327 चाहिए थे, और जैसा कि आपको पता है आईसीसी इंडिया को अलग बॉल देती है, तो वो अलग बॉल लेकर एक बार फिर से सिराज और बुमराह आ गए। जिस पिच पर साउथ अफ्रीका वाले पहले जा रहे थे, उस पिच पर मोहम्मद सिराज ने आते ही क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया, और पाकिस्तान में बैठे हसन रजा को पतले दस्त लग गए। लेकिन उनसे भी ज्यादा पतले दस्त लगे थे साउथ अफ्रीका वालों को, क्योंकि जहां इस टीम को टारगेट बनाने को दिया जाता है, वहीं ये टीम जेट स्प्रे और लोटे के बिना मैदान पर ही कर देती है। क्या वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम समझ जाएंगे, ठीक है। रोहित भाई भी खिलाड़ी आदमी है, उन्हें पता है कि पिच स्पिनर की मददगार है, इसलिए कल वो पहला बॉलिंग चेंज रविंद्र जडेजा को लेकर आए। जडेजा ने आते ही विकेट निकाली, और शमी का तो आपको पता ही है, मैदान कोई भी हो, टीम कोई भी हो, उस आदमी को खाली विकेट लेने से मतलब है। वो फिर से पहले ओवर में विकेट ले गया, फिर से आया, फिर से ले गया। 40 रन तक आते आते साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। स्वर्ग में बैठे नेल्सन मंडेला जी ने भी गांधी जी से कह दिया होगा कि आप तो अहिंसा के पुजारी थे बापू, और आपकी टीम हमारी टीम के साथ हो रही है। लेकिन जडेजा भाई को साउथ अफ्रीका वालों का दर्द नहीं दिख रहा था, वो तो धड़ाधड़ विकेट लिए जा रहे थे, और अपने खाते में उन्होंने 5 विकेट लिख लिए। साउथ अफ्रीका 83 बनाकर ऑल आउट हो गई, और इसी के साथ इंडिया का पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करना तय हो गया। अब हमारा मुकाबला तय है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से किसी से होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी दिल में एक थोड़ा डर है। क्या डर है वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, फिलहाल अभी नहीं, अभी तो सेलिब्रेशन का मौका है। भारत भी जीता है, कोहली की भी सेंचुरी आई है कि नहीं, और आप भी सेलिब्रेट करिए खूब।
खूब सारा पैसा जीतकर प्रोबो ऐप पर, जहां पर आप अपनी ओपिनियन से पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो, नाम है प्रोबो, ₹25 का वेलकम बोनस है, और एंजॉय करो। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना, कोहली के लिए कुछ बढ़िया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्या लगता है आपको, कोहली भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज बनने जा रहे हैं? क्या कहना है आपका कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी, जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करी, उसके बारे में।